तो आज हमारी इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चन जो कि टेक्स्ट फॉर्मूला से रिलेट करता है। जैसे कि मैंने कल क्वेश्चन दिया था कि मेरे पास नेम्स है और नेम डिफरेंट डिफरेंट इसका है, मतलब कि कोई नेम कहीं से है, कोई नेम कहीं से, किसी नेम फर्स्ट नेम है, किसी में फर्स्ट मिडिल है, किसी में फर्स्ट लास्ट है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है। और मुझे इस नेम्स के अंदर में फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम दोनों को अलग करना है। क्या करना है? फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो आपने फर्स्ट नेम तो निकाला सही, बट लास्ट नेम सही नहीं निकाला। चलिए फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम निकालना हम आपको सिखाते हैं। सबसे पहले आपने यूज किया है फाइंड का फॉर्मूला। फाइंड फॉर्मूले में आपने स्पेस दिया और आपने सिलेक्ट किया इसको एंड वन, ये आपका फर्स्ट जो है ये निकाल के दे दिया। फर्स्ट नेम जो है आपको निकाल के दे दिया, राइट सर। लेकिन मुझे इसमें सेकेंड स्पेस पता करना है कि सेकेंड स्पेस कौन सा है। तो सेकेंड स्पेस पता करने के लिए हम यहाँ पे एक और फाइंड का फॉर्मूला लगाएंगे स्पेस, और हम सिलेक्ट करेंगे इसको, और यहाँ पे हम स्टार्ट नंबर जो दिख रहा है आपको, स्टार्ट नंबर में यहाँ पे हम वन जो है हमारा हम देंगे तो क्या होगा, फिर सेवन आ जाएगा। तो ये वन होता क्या है इसको समझिए, ये स्टार्ट नंबर, मतलब कि ये आपको बताता है कि आपका फाइंड जो है ढूंढना कहां से स्टार्ट करेगा। ये फाइंड जो है कहां से ढूंढना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब यहां पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है, छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर वन से ढूंढना स्टार्ट करेगा तो पहला स्पेस ही देगा, मुझे इसकी दूसरी स्पेस की काउंट चाहिए। तो दूसरी स्पेस की काउंट के लिए हम क्या करेंगे, जो पहला स्पेस है इसी में प्लस वन कर देंगे। रविंद्र जी मेरी आवाज आपको आ रही है? तो मुझे यहाँ पे इस नाम के पहले स्पेस कितने करेक्टर पे है और दूसरा स्पेस कितने करेक्टर पे है यहां आपको पता चल रहा है। ठीक है सर, समझ में आया? विजय जी कोई डाउट इसमें? मैंने आपको म्यूट कर दिया था। हाँ विजय जी को डाउट इसमें? नहीं सर, लेकिन सर तीसरा स्पेस जानने के लिए वैसे प्लस क्या मुझे अपने वर्ड में ना सुजीत कुमार सिंह में तीसरा स्पेस जानने के लिए वैसे ही करने आगे प्लस उसमें 13 प्लस 1 होगा। हाँ वही ठीक है। तो यहाँ पे हम इस फाइंड को कॉपी करते हैं और इसमें जहां हमने इसका रेफरेंस देखा है B12 प्लस 1 उसमें इसको पेस्ट करके हम क्या कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं। और उसके बाद यहां पे हम जो है फाइंड फॉर्मूला हमारा ये यहां पे है। तो यहां पे हम आपको दिख रहा होगा ना कि लेन माइनस सेकेंड फाइंड होगा, ठीक है ना। इस फॉर्मूले को कॉपी कीजिए, और यहां पे ये जो हमने फाइनल मतलब दुआ लगा देता हूं लेफ्ट राइट, हाँ राइट, क्योंकि राइट से मुझे अलग करना है सिंह को, तो हम इसको सिलेक्ट किया और बोला कि कंप्लीट लेंथ, लेंथ मतलब इसकी जो कंप्लीट लेंथ है इस लेंथ को माइनस कीजिए किससे, सेकेंड फाइंड से, जो कि सेकेंड स्पेस आपको दिखाता है, और आपका सिंक अलग हो जाए।
ये फॉर्मूला सबको समझ में आ गया? विजय जी, दीपक जी, हाँ सर, मुझे मिडिल नेम निकालना रहेगा तो कुमार सर, एक एक करके पढ़ाते हैं, पर एक चीज तो समझ लीजिए, ये समझ में आ गया ना आपको? हाँ सर, समझ में। तो इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, जैसे ही आप यहाँ पे सुजीत कुमार लिखिए, ये आपको यहाँ पे एरर दे देगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही फाइंड को दूसरा स्पेस नहीं मिलेगा, फाइंड अपना रिजल्ट क्या दे देगा? एरर। तो यहां पे मुझे जो आपका जो पहले वाला फॉर्मूला था ना कि राइट, इसको सिलेक्ट किया, कॉमा, लेंथ, इसकी जो कंप्लीट लेंथ है उसमें से माइनस वो हमारा फर्स्ट स्पेस हो चल। यहां पे मुझे दो फॉर्मूला चले, अगर एक स्पेस मान लीजिए कि अगर दो ही नाम है सेकेंड, तो सेकेंड दो दूसरा नाम उठाया, तीन है तो तीसरा नाम उठाया, तो तीसरा नाम उठाने का फॉर्मूला ए है और पहला नाम उठाने का फॉर्मूला ए। अब इसमें इसको हम इफ एरर में कंबाइन करेंगे, इफ एरर और इफ एरर में हमने इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट किया, तो ये माफ गलत किया, मैं गलत किया, माफ कीजिएगा। इफ एरर और इफ एरर में हमने इस पार्ट को सिलेक्ट किया और हमारा ए पार्ट सिलेक्ट, राइट। तो अगर ए एरर देगा तो इसको शो करेगा और ए एरर नहीं देगा, ए रिजल्ट देगा तो उसी को शो करेगा, ठीक है सर? तो डाउट इसमें अब दोनों फॉर्मूला को मैं इफ एरर में मर्ज कर देता हूं। आपका ए फॉर्मूला बना, क्लियर है? ऐसे एक बार में क्लियर नहीं होगा, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। और इसको कट कीजिए और फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम पे रख दीजिए और इसको कॉपी करके यहां डालता हूं। तो जब तक इसको एक दो बार यूज नहीं करेंगे तब तक आपका ये चीजें समझ में नहीं आएगी। अब जैसे विजय जी का अनदर क्वेश्चन था, चलिए उस पर आते हैं कि उनको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम तीनों अलग करना है। जैसे यहां देखिए, मेरा नाम यहाँ पर मैंने लिख दिया नेम सुजीत कुमार से। तो अगर हम बात करें इसमें मुझे अब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडिल नेम अलग करना है। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम, अगर मैं मैनुअल अलग करूं
तो लेफ्ट फॉर्मल लगेगा इसके लिए कि लेफ्ट और हमने बोला कि सिक्स लेटर अलग होना है। फिर मैंने यहां पे मिडल के लिए मिड फॉर्मल लगाया और मैंने बोला सेवन एट, हमारा एट से मिड स्टार्ट है और पांच लेटर लेना है। और फिर हमने राइट को यहां दिया, ये तो मैनुअल में लगा रहा हूं, आप लोग सोच रहे होंगे ये तो मैनुअल लगा रहे हैं क्योंकि डेट में नाम चेंज होगा तो उसका अलग अलग साइज होगा, तो हमने पहले मैनुअल लगाया, अब इसको ऑटोमेटिक कराया। तो यहां पे हम फाइन फॉर्मल लगाते हैं और यहां पे स्पेस देते हैं और इसको सिलेक्ट करते हैं और कॉमा वन, इसमें क्या हुआ पहला स्पेस आ गया, तो मैं यहां पे सिक्स माइनस यहां पे इसको लिया सेवन माइनस वन क्योंकि स्पेस तक का दूरी आता है सात, इसने माइनस वन किया स्पेस से पहले, तो पहले स्पेस से जो भी होगा उसको उठा ले, बट मिड में तो दो चाहिए ना, तो यहां पे मैंने मिड का फॉर्मूला लगाया, इसको सिलेक्ट किया और मैंने बोला कि मिड जो स्टार्ट है स्पेस के बाद से है, स्पेस प्लस वन, कॉमा नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो हमने यहां पर दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए हम यहां पे फाइन का फॉर्मूला देंगे और यहां से बोलेंगे कि इसमें पहले स्पेस के बाद से स्टार्ट करो, तो पता चला 13 है, तो यहां पे हम 8 को लेते हैं, इसमें हम 7 प्लस 1 कर देते हैं और 5 जो है हमारा उसको ऑटोमेट करने के लिए बोलते हैं कि 13 माइनस 7 रिजल्ट आ गया। और फिर इसको राइट के लिए हम यहां से आदेश वेल्डी गुड मॉर्निंग कैसे हम भी ठीक है बुआ जी हाँ मुझे भी जैसे बुआ ठीक है मैं कोशिश पूरी कोशिश करूंगा ठीक है। देखिए हम कोई एडवर्टाइजमेंट डालते हैं नहीं, हम सिर्फ वीडियो डालते हैं, हम वीडियो डालते हैं जो कि अच्छे से वीडियो हमें बनाएंगे हम अपलोड कर देते हैं। ठीक है ठीक ठीक है ठीक ठीक हाँ सर आ गए सर आ गए, लेकिन सर ये तो लेंथ अपना लेंथ कम ज्यादा भी होता है ना, उसमें कैसे करेंगे अभी तो फाइन लगाया हुआ है, नाम फिर राज कुमार शर्मा हो गया, अभी खाली राज गुप्ता डाल दिया तो हाँ तो उसमें आप देखिए
अगर आपका नाम कम बन रहा है तो फिर उसके लिए भी वो मेथड ऊपर वाले मेथड लगानी पड़ेगी ना, समझे ना, इस मेथड को यूज करना पड़ेगा। ओके ठीक है, चलिए समझे ना। तो मिडल नेम जो होगा वो ब्लैंक रहेगा, आप इस तरह लगा देंगे एरर है तो मिडल नेम ब्लैंक हो, लास्ट नेम में ए वाली कंसेप्ट लगा दीजिए कि अगर दो नाम है तो तीसरा उठा, दो नाम है तो दूसरा उठा, तीन नाम है तो तीसरा उठा, क्योंकि मैं यहाँ पे लगा, ठीक है। यस सर, अब फॉर्मूला कैटेगरी में आते हैं, ना कुछ छोटे मोटे मिसलेनियस फॉर्मूला जो छूट गया है उसको एक बार देख लेते हैं। तो हमने अपने फॉर्मूला में क्लीन कोड कैर कॉन्कैटनेट ला चुका हूं, डॉलर और एग्जैक्ट, डॉलर एग्जैक्ट एंड फिक्स तीन फॉर्मूला है, सिर्फ एक ही जैसा देखिए। आपने कोई नंबर दिया हुआ है तो अगर आप इसमें डॉलर करते हैं तो जो भी आपका डिफॉल्ट कंट्री करेंसी साइन है वो लग जाएगा। तो इसका बेनिफिट क्या होता है कि इस पे किसी भी तरह का फॉर्मेट अप्लीकेबल है, इस पे मान लीजिए किसी ने अगर डेट का फॉर्मेट अप्लाई कर दिया तो डेट बन जाएगा ना, बट ए हमारा फिक्स रहेगा, तो इसलिए इस्तेमाल करते हैं डॉलर। लेकिन डॉलर का साइन नहीं चाहिए इंडिया में, तो हम इंडिया यूज करते हैं, तो उसके लिए फिक्स का साइन है कि फिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो भी आपका किसी भी तरह का फॉर्मेटिंग इस पे अप्लाई नहीं होगा, पहली चीज। अब दूसरी चीज में आती है, जैसे कि आप इस फॉर्मूला भी थोड़ा पहले दो दिन पहले हम आपके साथ डिस्कस किए थे, अब इसमें राज है और ए हमारा राज है। तो नॉर्मल कंडीशन आप लगाते हैं ये दोनों आपस में बराबर, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन जो भी आप लॉजिकल ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं वो ऑपरेटर केस सेंसिटिव नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एग्जैक्ट मैच करनी हो तो यहां पे आप एग्जैक्ट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि दोनों आपस में एग्जैक्ट मैच होगा तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा, मतलब कि केस सेंसिटिव रहेगा। इसका यूज हम कहीं कहीं पे कर देते हैं, उसके बाद बाकी चीज हम पढ़ा चुके हैं, सर्च सब्स्टिट्यूट हो चुका है, टी बचा हुआ है तो टी पढ़ा देता हूँ आपको भी, टैक्स हो ही चुका है, टीम हो ही चुका है, अपर वैल्यू। अब इसमें वैल्यू एंड नंबर वैल्यू को पहले समझिए कि अगर आपने टेक्स्ट फॉर्मेट में कोई नंबर डाल रखा है तो इसको अगर नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, और नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट क्यों करें, जैसे यहाँ पे 12 हमने टेक्स्ट फॉर्मेट पे लिख दिया है और यहाँ पे 12 नंबर फॉर्मेट पे, दोनों में देखने में दोनों एक जैसे है, पर जैसे ही दोनों को आप बराबर करेंगे, वीलुकअप करेंगे, मैच करेंगे तो आपस में बराबर नहीं होगा। तो मुझे इसको कन्वर्ट कर देना है तो दो तरीके, खैर एक तो इस पे आप प्लस वो प्लस जीरो या मल्टीप्लाई बाय वन कर दे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप वैल्यू का फॉर्मूला लगा दे तो कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर आप नंबर वैल्यू का फॉर्मूला लगा दे तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा। तो नंबर वैल्यू में एक यहाँ पे एक है कि आप डेसिमल सेपरेटर में भी डाल सकते हैं क्या होना चाहिए, या थाउजेंड सेपरेटर भी डालना है तो भी आप डाल सकते हैं, बट वैल्यू में ऐसा नहीं होता है। उसके बाद बात आपकी टी की, जैसे कुछ नंबर हमने करेक्टर यहाँ पे दे दिए हुए हैं, नंबर भी है, मतलब कि टेक्स्ट और नंबर एक साथ लिखे हुए, दोनों को सेपरेट करना है, तो इसके बगल वाले कॉलम में आप टी का फॉर्मूला लगाए तो जो टेक्स्ट होगा जो वही सबविजिबल होगा और आपका नंबर जो है वो ब्लैंक शो हो जाएगा। राइट सर,
उसी का अपोजिट सर एन फॉर्मूला होता है, माफ कीजिएगा मैं तो मैसेज देने लगा, एन फॉर्मूला है। अब इस एन फॉर्मूला को आप करेंगे तो इसमें टेक्स्ट जीरो आए, ठीक है सर। तो मैंने टेक्स्ट की फॉर्मूला क्लियर कर दी है, बस एक रेप्ट का फॉर्मूला है, इसको एक बार देखें क्योंकि इस पे आप लोगों को एक प्रोजेक्ट मिलने वाला है। रेप्ट फॉर्मूला का काम क्या है कि किसी भी लेटर को रिपीट करता है, इसमें को सिलेक्ट करके बोला कि पांच बार रिपीट कर दे, तो इस ए को पांच बार रिपीट कर देगा। अब प्रॉब्लम यहां पर आता है कि आखिर हम इसका अपने ऑफिशियल लाइफ में इस्तेमाल कहां करेंगे, ठीक है। तो मुझे आप लोग इसके कम से कम दो या तीन एग्जांपल ढूंढ के कर दीजिए। ठीक है, ओके सर। और कल हम इस पे आगे डिस्कशन करेंगे। सर फाइनेंशियल वाला भी पढ़ाने वाले हैं कि नहीं? हाँ पढ़ाएंगे, पहले वन बाय वन जाएंगे ना। सर ये आज वाला भी अपलोड कीजिएगा साइट पे, ठीक है, चलो।